नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सीबीएसई की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट है वो लेकर आया हूं, जो कि क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। इस बार के जो बोर्ड एग्जाम है वो 1 मार्च से शुरू नहीं होंगे बल्कि 15th फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो लास्ट ईयर भी आपने बोला था कि इस बार के जो एग्जाम है 15 फरवरी से स्टार्ट होंगे, लेकिन हुए तो नहीं। हमारे तो एग्जाम वही 1 या 2 तारीख से स्टार्ट हुए, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। इस साल सच में ही आपके एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होंगे। उसका पहले मैं कारण बता देता हूँ कि ऐसा सीबीएसई ने क्यों किया है। क्या है कि अगर 1 मार्च से एग्जाम शुरू होते हैं तो रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और इस वजह से जो बच्चे हैं जो 10th पास आउट होते हैं उनको 11th क्लास में जो सब्जेक्ट लेना होता है उसमें टाइम लगता है। दूसरा, जो 12th पास आउट जो बच्चे होते हैं उनको कॉलेज में एडमिशन लेने में दिक्कत आती है, उनको समय कम मिलता है। इस वजह से बोर्ड ने, यानी सीबीएसई बोर्ड ने डिसाइड किया है कि इस बार वेल इन एडवांस, मतलब पहले ही एग्जाम करा लिया जाए, काफ़ी अच्छे से चेक हो जाए और रिजल्ट टाइम से पहले आ जाए। उससे क्या होगा कि बच्चों को टाइम मिलेगा जिससे कि वो अपना सब्जेक्ट आसानी से चुन पाएंगे और अपना जो 12th वाले बच्चे वो अपने कॉलेज अच्छे से चुन पाएंगे। इस कारण से ऐसा किया है। अब कौन से पेपर पहले होंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले क्या हो रहा था, जो 15 फरवरी से जो एग्जाम शुरू होते थे उनमें वो ऐसे सब्जेक्ट रखते थे जिसको बहुत कम लोग लेते थे और वो उनको पहले ख़त्म कर दे, वोकेशनल कोर्स है, इस टाइप के जो एग्जाम थे वो पहले हो जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जो आपके मेन पेपर है माने जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे उन पेपर को पहले करवाया जाएगा। जैसे सपोज करें कि 12th का कोई पेपर है तो 12th में जो इंग्लिश का पेपर है वो सभी बच्चे देते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, इसका मतलब है कि इंग्लिश का पेपर पहले होगा। ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो इसी टाइप से जिस भी सब्जेक्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे अपेयर करेंगे उस एग्जाम को, वो सब्जेक्ट का पेपर पहले होगा, और ऐसे ही फिर उससे कम वाले, फिर उससे कम वाले, इस टाइप से एग्जाम होगा। तो यानी 15 तारीख को पेपर जो होंगे वही पेपर होंगे जो सबसे मेन होगा और जो सबसे ज़्यादा बच्चे जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे या अपेयर होंगे। तो ये थी क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हुई अपडेट। अगर इस अपडेट से रिलेटेड आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।